गाजियाबाद जिले में यूपी बॉर्डर पर हुए किसानों के हंगामे की बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने निंदा की। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत और उनके गुंडों ने जिस तरह से वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियां तोड़ी, ये बेहद ही शर्मनाक है। गुज्जर ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं है, किसान अपने घर पर है और खेतों में काम कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं। राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से खालिस्तानियों से मिल करके इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और इनका पहला करैक्टर भी आपने देखा होगा, जमीन कब्जाने से लेकर के राष्ट्र विरोधी इनकी गतिविधियां रही हैं। कोई किसान कभी भी किसी गरीब को नहीं जला सकता जिस तरह टिकरी बॉर्डर पर हुआ है, और आज की घटना पूरे देश को हिलाने वाली है। इनका चेहरा साफ हो गया है, डेली निकलने वाले दिल्ली से जो गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, ऐसे लाखों लोगों का रास्ता बंद करके 3-3 घंटे लोग तड़पते हैं और एम्बुलेंस फंसी हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, उन सब के जिम्मेवार राकेश टिकैत हैं। तो इन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को कठोर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि आज गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों ने बीजेपी प्रदेश मंत्री को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर पहुंचकर किसानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अब बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने भी राकेश टिकैत और हमला करने वाले लोगों की निंदा की है।